डॉक्टर वीरपाल सिंह, आपको लगता है कि कोई मीटिंग ग्राउंड है, कोई ऐसा कॉमन पॉइंट है जहां पर इस मुकाम पर पहुंचने के बाद इस आंदोलन के किसान और सरकार एक जगह पर एक समाधान निकाल सकते हैं? तो पहले तो मैं आप सभी आपके टीवी चैनल देख रहे दर्शकों को नमस्कार करने चाहूंगा कि आपने मुझे अपने टीवी पे इस लाख समझा के मैं कुछ बोल सकता हूँ। इन सभी जितने भी अपने मेरे भाई बैठे हुए हैं, शाहनवाज जी, दुबे जी, रविंदर जी और अपने अपने कृषि खाद्य विशेषज्ञ जी, इन सभी से नमस्कार करने चाहूंगा कि मैं एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट हूँ और 36 साल मैंने सरकार में रहकर किसानों के बीच में काम किया है। मुझे पता है किसान क्या है, किसान क्या कर सकता है। पहले तो समय कहना चाहूंगा, किसान खुशहाल तो देश खुशहाल, और जय किसान जय जवान इसको भी मतलब मैं मेरा नारा है कि जय किसान जय जवान। दूसरा नंबर यह है, हमारे देश में 28,22,121 गांव हैं और लगभग लगभग 60-65% जनता आज भी गांव में रहती है और लगभग 55% लोग आज भी खेती पर निर्भर हैं। तो यदि हम खेती पर निर्भर रहने वाले लोगों को आत्मनिर्भर बना देंगे तो बाकी लोग ऑटोमेटिक आत्मनिर्भर हो जाएंगे। इसलिए हमारा देश का किसान सर्वोपरि है और सर्वोपरि रहा है, सर्वोपरि रहेगा, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। दूसरे मैं इन सभी को बताना चाहूंगा कि हमारे देश में इस समय 86.21% मार्जिनल और स्मॉल फार्मर हैं जो लगभग 5 एकड़ जमीन से कम जमीन पर खेती करते हैं और इनमें से 65% ऐसे हैं जो 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन पर खेती करते हैं। उनके पास इतना प्रोड्यूस नहीं होता कि वे 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर ले जाकर अपने प्रोड्यूस को बेच सकें। यदि वो प्रोड्यूस ले भी जाएंगे तो उनके पास इतना है, वो ट्रांसपोर्टेशन में चला जाएगा, उसके बाद उनके लिए कुछ नहीं बचेगा। अच्छा, अब इस बात को मैं बताना चाहूंगा आपको। देखो, किसानों की बहुत पहले से शिकायत रही है कि भाई मंडी में जितने भी कमीशन एजेंट हैं हमारा ये शोषण कर रहे हैं, हमको ये पूरा हमारा जो उत्पाद है प्रॉपर माल पर नहीं बिकने दे रहे। तो किसानों को उनसे बचाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाए हैं, जहां तक मैं समझ रहा हूँ। और ये बताइए, मैं दुबे जी से खासकर पूछना चाहूंगा, दुबे जी आप जो ये कविता पढ़ रहे हैं, इस कविता पढ़ने से काम नहीं चलेगा। और आप लोग कई लोग ऐसे हैं जो टीवी चैनल पे बैठ के दूसरे लोग भी जो कुछ बोलते हैं उनको भी आप ऐसा कर देते हैं कहने ना सुनने के बराबर। टीवी एंकर जो बैठा है वो कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकालने के लिए बैठा है और किसानों के लिए इतने संघर्ष चल रहे हैं तो किसानों के लिए सब लोग इतने सीरियस हैं, लेकिन आप लोगों को मैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं देखता। जबकि वीरपाल जी, आपने जो बातें कही हैं, हम अभय जी आपसे, आपके पास आने से पहले मैं दरअसल चाहती हूँ कि सबसे एक एक कम से कम प्रतिक्रिया हम ले लें। रविंद्र सिंह चीमा जी, सब चाहते हैं कि मामले का कोई समाधान निकले, लेकिन जो चीज मैं समझना चाहती हूँ आप सबसे वो यही है कि क्या आपको लगता है कि वाकई कोई मीटिंग पॉइंट है? इतने दिनों की बातचीत, इतने दौर की बातचीत के बाद भी जब हमें ये पता है कि सरकार कानून वापस नहीं लेगी, हाँ संशोधन के लिए तैयार है, और किसानों की पहली मांग में आ गया है कि हम तो चाहते हैं कि तीनों कानूनों को सबसे पहले निरस्त करो, उसके बाद आगे बात होगी, कोई मीटिंग पॉइंट है? समाधान निकलेगा कि नहीं? देखो, आशा करते हैं समाधान निकले। इतने इतने बड़े थिंक टैंक जो है वो इस पे लगे हुए हैं। हमारे 40-40 साल की जिनकी तपस्या है खेती बाड़ी के मामले में, जिन्होंने किसानी में इतनी लंबी समय तक सेवा की है, वो लगे हुए हैं, तो हमें आशा है कि ये इसका समाधान तो निकलना चाहिए। और श्वेता जी, मैं तो आपको इस चैनल से एक विनती करनी चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी से भी और सभी जितने भी मीटिंग में प्रस्तुत हैं, कि जो बात माननीय उच्च अदालत ने कही थी, जो सरकार को जो उन्होंने सुझाव दिया था वो बहुत अच्छा सुझाव था, उस पर सरकार को सोचना चाहिए था, निर्णय लेना चाहिए था। उन्होंने क्या कहा था कि आप इसको फॉर द टाइम बीइंग जो आप कानून लाए हैं इनको स्थगित कर लो और उसके लिए एक कमेटी बनाओ, कमेटी इन्हीं कानूनों में जो तरमीम होनी, इससे भी बढ़िया कानून बन सकते हैं। हम सरकार की नीयत पे कोई शक नहीं करते कि सरकार किसानों का भला नहीं करना चाहती, सरकार किसानों का भला करना चाहती है, लेकिन किसानों को उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, किसानों की बात सुननी चाहिए और बहुत सर्वसम्मति से इस पे डिसीजन आए। राजनीतिक पार्टियां जो भी कहें, आज इस मैटर पे नॉन पॉलिटिकली किसान चाहते हैं कि एक किसान के तौर पे पिछले 70 साल से किसान की नहीं सुनी गई, हर बार बातें की गई किसानों के हक में,
कभी कोई नारा दिया गया, कभी कोई नारा दिया गया, लेकिन किसान को कुछ नहीं मिला। आज पूरे देश का किसान जो है वो एकजुट है, और वो चाहता है, ना केवल ये चाहता है कि ये कानून वापस हो, बल्कि वो चाहता है कि अगर सरकार कोई किसान का भला करना चाहती है तो किसानों से जो है वो कुछ ना कुछ जानकारी लेकर, किसानों के विचार लेकर कोई अच्छा कानून लेके आए। और मैं तो एक ये भी विनती करना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी से और मंत्री साहबान को भी कि प्रधानमंत्री जी वो देश के पिता समान है। अगर उनके पास प्रजा के तौर पे आज किसान नाराज हैं, वो प्रजा हैं, बच्चे हैं, अगर उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं प्रधानमंत्री जी, कोई बात नहीं कि बच्चे नहीं चाहते हैं, प्रजा नहीं चाहती है, तो हम ये कानून फिलहाल स्थगित करते हैं, आओ मिल बैठकर इसको दोबारा विचार करेंगे और इससे अच्छा कानून लाएंगे। और श्वेता जी, मैं आपको विनती करनी चाहता हूं,